यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। क्या आपने कभी दूल्हे बेचने वाली कंपनी का नाम सुना है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। वियतनाम में ऐसी कई कंपनियां हैं जो दूल्हे बेचने का काम करती हैं और इस कारोबार से करोड़ों रुपए कमाती हैं। यहाँ पर एक दूल्हे को अरेंज करने वाली कंपनी रिश्तेदारों को भी अरेंज करती है और उसी हिसाब से पैसे कमाती है। वियतनाम में दूल्हे बेचने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। एक शादी में दूल्हे और रिश्तेदारों को अरेंज करने के लिए 4 लाख रुपए लिए जाते हैं। दूल्हे के अलावा उसके दोस्तों को भी बुलाया जाता है और इसके भी अलग से पैसे लगते हैं। दरअसल वियतनाम में बहुत कुंवारी लड़कियां माँ बन जाती हैं और यहाँ पर अगर शादी किए बगैर कोई भी लड़की गर्भवती होती है या माँ बनती है तो उसे कलंक माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। खुद पर कलंक लगने से बचने के लिए वियतनाम में फर्जी शादियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार एक गर्भवती लड़की को फर्जी शादी करने के लिए दूल्हे को करीब 1 लाख रुपए देना पड़ता है। गर्भवती लड़की कंपनी से जिस दूल्हे को खरीदती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो दूल्हा भी कुंवारा हो। ये बिकाऊ दूल्हे पहले से ही शादीशुदा होते हैं, फिर भी कुंवारी लड़कियां उन्हें अपना पति बनाने के लिए खरीदती हैं और उसके बदले कंपनी को लाखों रुपए देने पर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। कंपनी के अनुसार शादियों में कम से कम 20 लोगों को किराए पर बुलाया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग कम से कम 400 मेहमानों की डिमांड करते हैं और उसी हिसाब से पैसे देते हैं।